तो आप भी ये टिप अगर ट्राई करना चाहें तो कर सकते हैं, शायद आपके लिए भी ये उतना ही बेनिफिशियल हो जितना मेरे लिए हुआ है। You know, hair cells are the fastest growing cell in your body, and hair cells is the first one to be effective if you don't eat right. And friends, हर किसी की life में एक ऐसा point आ जाता है जहाँ पे आपके जो hair की quality है वो गिरनी शुरू हो जाती है, आपके hair thin होने शुरू हो जाते हैं या झड़ने शुरू हो जाते हैं. So it's always better, जितनी जल्दी आप hair केयर अपना स्टार्ट कर देंगे उतना ही बेटर है. प्रिकॉशन इज ऑलवेज बेटर देन क्योर. देखिए, हेल्थ ऑफ योर हेयर इज डिपेंड्स अपॉन मेनी फैक्टर्स, जैसे कि आपकी डाइट हो गई, आपका क्लाइमेटिक कंडीशंस हो गई, पोल्यूशन हो गया, आपकी लाइफस्टाइल एज इन आप कितनी स्ट्रेसफुल लाइफ आपकी आप लीड कर रहे हैं, ऑल्सो नोइंग योर हेयर टाइप, आई मीन फ्रीक्वेंट वॉशिंग ऑफ योर हेयर, ऑयलिंग ऑफ द हेयर, which shampoo, which conditioner, serums are required or no, किस तरीके के hair treatment आपने लिए हुए हैं और किस तरीके के quality of products आपके hair पे use हुए हैं while straightening, rebonding, coloring and etc. So today's video will be majorly on knowing your hair type and the essential product you should use as a hair care, then how to use them correctly and how frequently you should use them. क्योंकि द थिंग इज, मैंने एक वीडियो आप लोगों के लिए बनाई थी शैम्पूज के ऊपर, दो प्रोडक्ट्स के बारे में कंपैरिजन था. टचवुड, उसमें आप लोगों का बहुत प्यार मिला है, 11,000 वो क्रॉस करने वाली है. अगर आपने अभी तक नहीं देखी है, काफ़ी यूजफुल वीडियो है, आप ऊपर आई बटन पे वो देख सकते हैं, मैं लिंक छोड़ दूंगी. तो उस वीडियो में काफ़ी आप लोगों की क्वेरीज आ रही थी, जैसे कि कई मेरे सब्सक्राइबर्स थे वो पूछ रहे हैं कि मैम क्या इसको हम डैंड्रफ के लिए यूज़ कर सकते हैं, मैम हमने स्ट्रेटनिंग करवाई हुई है या रीबॉन्डिंग कराई हुई है तो हमारे लिए क्या बेटर रहेगा, आप प्लीज़ सजेस्ट करें. सो दैट्स द रीज़न मैं आप लोगों के लिए ये वीडियो बना रही हूँ कि जिसमें आपकी कई हद तक जो क्वेरीज हैं वो रिजॉल्व हो जाएंगी. तो चलिए बिना देरी के स्टार्ट कर लेते हैं वीडियो. एंड बिफोर दैट अ हम्बल रिक्वेस्ट, इफ यू हैवन डन येट, डू सब्सक्राइब, लाइक, शेयर एंड कमेंट. तो चलिए लेट्स गेट स्टार्टेड. देखिए, कोई भी अपने हेयर के रूटीन का ब्लूप्रिंट ड्रॉ करने से पहले आप ये जरूर सुनिश्चित कर लें दैट देयर इज नो पॉसिबिलिटी ऑफ एनी काइंड ऑफ एलमेंट कॉजिंग हेयर डैमेज इन एनी फॉर्म. किसी तरीके का स्काल्प पे इन्फेक्शन ना हो या फिर किसी तरीके की आपको इंटरनल कोई प्रॉब्लम ना हो जिसकी वजह से आपके हेयर की क्वालिटी बिगड़ती जा रही है या आपका हेयर फॉल होता जा रहा है. तो ये सब चेक करने के बाद जो पहला स्टेप आप लेंगे, नोइंग योर हेयर टाइप, बिकॉज विदाउट नोइंग योर हेयर टाइप आप एक इफेक्टिव हेयर केयर रूटीन आप अपने बालों के लिए नहीं फॉलो कर पाएंगे. देयर इज वेरी सिंपल मेथड फॉर डूइंग दिस. यू हैव टू वॉश योर हेयर नॉर्मली, यूज एनी रेगुलर शैम्पू और अ कंडीशनर. अच्छा, मेक श्योर आप उस दिन कोई इस तरीके की इतनी फिजिकल एक्टिविटी या स्पोर्ट्स में ना इन्वॉल्व हो जिसके वजह से आपके हेयर आपके स्काल्प पे स्वेट जो है एक्यूमुलेट हो. देन लेट योर हेयर रेस्ट फॉर 8 to 10 hours. आफ्टर दैट टेक अ टिश्यू एंड जेंटली प्रेस ऑन योर हेड. यू हैव टू ऑब्जर्व, अगर तो बहुत ज़्यादा ऑयल उस टिश्यू पे आ गया है तो विच मीन्स आपके जो हेयर हैं वो ऑयली हैं. एंड लेट्स से अगर देयर इज वेरी स्लाइट हिंट ऑफ ऑयल विच मीन्स आपकी जो हेयर टाइप है वो मीडियम ऑयली है. एंड इन थर्ड केस इफ योर टिश्यू इज कम्प्लीटली फ्री फ्रॉम द ऑयल विच ऑब्वियसली मीन यू हैव अ ड्राई हेयर. सो बाय दिस सिंपल टेस्ट यू विल गेट टू नो कि आपकी हेयर टाइप क्या है जिसकी वजह से आप एक प्रॉपर अपना हेयर केयर रूटीन फॉलो कर सकते हैं, जिसमें कि आपको पता लगेगा हाउ टू टेक केयर ऑफ योर हेयर, हाउ फ्रीक्वेंटली यू शुड वॉश इट, विच काइंड ऑफ प्रोडक्ट टू बी यूज एंड इवन द पोस्ट वॉश ट्रीटमेंट. सो स्टेप वन, इंडिया बिगेस्ट गिफ्ट टू द वर्ल्ड, ऑयलिंग. सो यू शुड ऑयल योर हेयर एटलीस्ट 2 to 3 times a week. Because oiling your hair means nourishing it. So in oiling, first step will be heat up your oil. Like what I do, I just take hot water in a container, put my bottle of oil inside and rest it for 10 minutes. Oil is ready.
बेसिकली हॉट ऑयल जो होता है आपके जो पोर्स होते हैं, स्काल्प के अंदर पोर्स होते हैं, उसको ओपन कर देता है, जिसकी वजह से जो ऑयल है जस्ट सीप इनटू योर स्काल्प. And in this way, it will nourish your hair and as well as your scalp. And oiling your hair will prevent you from any kind of fungal or bacterial infection in long run. See, oil will help your hair to grow fast. It will strengthen your hair and it make them shine. So at least aapko ek week mein 2 se 3 bari oiling karna chahiye. But it can definitely vary according to your genetics. लेट से अगर आपका ऑयली हेयर है तो आपको सिर्फ हफ्ते में एक दिन ऑयल करने की ज़रूरत है. अगर मीडियम है तो लेट से 1 से 2 बार, और अगर ड्राई हैं तो लेट से 3 बार. एंड फ्रेंड्स, डोंट ओवर डू इट, क्योंकि रिक्वायरमेंट से ज़्यादा ऑयल लगाने से भी आपके जो पोर्स होते हैं वो क्लॉग हो जाते हैं, जिसकी वजह से बैक्टीरियल या फंगल इन्फेक्शन होने लग जाते हैं. तो ये सब आपको जज करना पड़ेगा कि आपके जेनेटिक्स के अकॉर्डिंग कितना हेयर ऑयलिंग आपको नीडेड है. देन यू कैन कम्बाइन 2-3 ऑयल्स, लाइक आप आलमंड ऑयल थोड़ा सा ले लें, थोड़ा सा ऑलिव ऑयल ले लें, कोकोनट ऑयल ले लें, इन सबको आप मिक्स करके लगाएं तो आपको एक काइंड ऑफ मिक्स नरिशमेंट आपके स्काल्प को और हेयर को मिल सकता है. बट मेरे केस में मैं यूज करती हूँ कोकोनट ऑयल विच इज कोल्ड प्रेस, और ये आप देख सकते हैं ये एडिबल है और काफी अच्छा मुझे इससे रिजल्ट मिला है. तो दैट्स द रीजन मुझे लगा मैं आपके साथ शेयर कर दूं. प्रेफरेबली जो ऑयल है इट शुड स्टेन योर हेयर ओवरनाइट, कहने का मतलब है एटलीस्ट फॉर 12 आवर्स. अगर ये फीजेबल नहीं है तो एटलीस्ट यू शुड डू इट फॉर 2 आवर्स मिनिमम. यू हैव टू पोर द ऑयल ऑन टू योर पाम्स, रब इट नाइसली, देन फर्स्ट अप्लाई ऑन योर स्काल्प, इवन टू योर लोअर पार्ट ऑफ द हेयर. जो लोअर पार्ट होता है हेयर का वो सबसे ज्यादा ओल्ड हेयर कहलाते हैं, विच रादर नीड्स मोर नरिशमेंट. तो यू हैव टू जेंटली मसाज इट वेल इन अ सर्कुलर मोशन फॉर इंक्रीजिंग द ब्लड सर्कुलेशन, विच अल्टीमेटली इम्प्रूव्स द रिकवरी ऑफ योर हेयर. क्योंकि क्या होता है, जब आप मसाज करते हैं अपने हेड की, जो आपके डेड सेल्स होते हैं वो झड़ने शुरू हो जाते हैं और वो हेल्प करते हैं न्यू सेल्स को ग्रो करने के लिए. चलिए, नेक्स्ट थिंग विल बी हेयर वॉश. अगेन ये भी आपके जेनेटिक्स पे डिपेंड करेगी. लेट्स से अगर आपको डेंड्रफ है देन यू हैव टू यूज एंटी डेंड्रफ शैम्पू. बट यहाँ पे मैं आपको एक सजेशन देना चाहूँगी कि जो एंटी डेंड्रफ शैम्पूज होते हैं वो काफ़ी हार्श होते हैं. तो लेट्स से अगर आप 3 बार हफ्ते में 3 बार आप अपने हेयर वॉश करते हैं तो जो एंटी डेंड्रफ शैम्पू है उसको 1 बार यूज़ करिए, बाकी 2 दिनों के लिए आप माइल्ड शैम्पू यूज़ करिए. देन मैं अपनी भी बात करूंगी दैट आई हैव अ वेरी सेंसिटिव स्काल्प, और मेरे जो हेयर टाइप है काफ़ी ड्राई है, जिसकी वजह से हेयर फ्रिजी हो जाते हैं. और पहले तो मुझे हेयर फॉल की भी काफ़ी ज़्यादा दिक्कत थी. सो इसीलिए आफ्टर यूजिंग सो मैनी ऑफ हेयर प्रोडक्ट्स, मुझे जो वाओ का कोकोनट मिल्क शैम्पू है वो बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल लगा. काफ़ी ज़्यादा हद तक मेरे जो हेयर फॉल उसने कंट्रोल कर दिया था, फ्रिज कम कर दिया था, बट विद द कंडीशनर. बेसिकली वाओ का जो कोकोनट मिल्क शैम्पू हैव डन वंडर्स टू माय हेयर. लिंक आपको आई बटन में मिल जाएगा. प्लीज मैं आपको बोलूंगी प्लीज वो वीडियो जाके देखिए, इट विल प्रूव वेरी हेल्पफुल टू यू. एंड गाइस, दिस इज माय रिकमेंडेशन, टोटली डिपेंड अपॉन माय एक्सपीरियंस. बेसिकली आप देख लें आपकी हेयर प्रॉब्लम क्या है. जनरली हर शैम्पू की बॉटल पे या हर कंडीशनर की बॉटल पे ये मेंशन होता है कि ये जो प्रोडक्ट है स्पेसिफिकली किस हेयर प्रॉब्लम को टारगेट करेगा, तो उसी के अकॉर्डिंग आपने प्रोडक्ट लेना है. यू कैन सर्टेनली गो फॉर एनी गुड ब्रांड. अच्छा, वन मोर थिंग आई वुड लाइक टू मेंशन, अगर आपको डेंड्रफ की प्रॉब्लम है तो कीप चेंजिंग योर पिलो कवर्स एंड बेडशीट. क्या होता है कि सारी रात का जितना भी डेंड्रफ शेड होता है ये पिलो पे एक्यूमुलेट हो जाता है, और उसी पे आप जो है हेयर रब करते हैं वो वही डेंड्रफ जो है वापस आपके हेयर पे जाके मल्टीप्लाई हो जाता है और ज़्यादा कंडीशन जो है वर्स कर देगा. तो ये आप दिमाग में ज़रूर रखिए, कीप चेंजिंग योर पिलो कवर एंड बेडशीट्स वेरी फ्रिक्वेंटली एज यू कैन. सो दैट्स दैट इफ़ यू टॉक अबाउट शैम्पूज. चलिए, मूविंग ऑन टूवर्ड्स द कंडीशनर. कंडीशनर इज ऑल्सो अ वेरी असेंशियल पार्ट ऑफ द हेयर केयर रूटीन. वाई डू वी यूज कंडीशनर्स? देखिए, जो कंडीशनर्स होते हैं वो ऑयल बेस्ड होते हैं, एंड जब हम लोग शैम्पू करते हैं
तो उससे हमारा एक्सेस ऑयल एंड एक्सेस डर्ट जो स्काल्प पे हमारे डिपॉजिट होता है वो निकल जाता है। बट समटाइम्स क्या होता है, काफ़ी ज़्यादा कई बार हम रिग्रेस शैम्पू कर देते हैं जिसकी वजह से हमारा जो एसेंशियल ऑयल्स जो होते हैं वो भी साथ में हम लोग लूज़ कर देते हैं। तो ये कंडीशनर होता है, ये हेल्प करता है एसेंशियल मॉइस्चर और एसेंशियल ऑयल्स जो हैं आपके हेयर के अंदर इंटैक्ट रखने में। अच्छा, बींग असेंशियल पार्ट ऑफ योर हेयर केयर रूटीन, जब आप कंडीशनर चूज करें तो मेक श्योर दैट कंडीशनर पेयर्स वेल विद द शैम्पू। लाइक आई एम ऑल्सो यूजिंग द कंडीशनर फ्रॉम द सेम ब्रांड, दिस इज वाओज कोकोनट शैम्पू विच आई एम यूजिंग, कोकोनट मिल्क शैम्पू एंड फ्रॉम द सेम ब्रांड दे हैव द कंडीशनर। अगेन दिस इज अ कोकोनट मिल्क कंडीशनर, सो मेक श्योर यू गो फॉर सिस्टर पेयर्स। सो बेसिकली यू हैव टू फिगर आउट योर ओन सिस्टम जो आपके लिए इफेक्टिव हो और आपके लिए ठीक रहे। सो इफ यू हैव ड्राई हेयर, फ्रिजी हेयर, हेयर फॉल का इशू आ रहा है तो आप ये प्रोडक्ट्स ट्राई कर सकते हैं। मेरे लिए काफ़ी अच्छा रिजल्ट्स लेके आए हैं, आई एम श्योर आपको भी ये बेटर रिजल्ट्स देंगे। और यू कैन चेंज अकॉर्डिंगली और चूज अकॉर्डिंगली। तो चलिए, आई एम डन विद द हेयर वॉश पार्ट। तो चलिए अब चलते हैं पोस्ट शावर थेरेपी की तरफ, जो कि बहुत ही सिंपल पार्ट होता है। तो फर्स्ट थिंग फर्स्ट, बाल सुखाने के लिए जस्ट टैप इट ड्राई विद द टॉवल। भूल के भी उसको रिग्रेसली रब नहीं करें, क्योंकि जब आपके बाल गीले होते हैं तो बहुत प्रोन हो जाते हैं वो हेयर फॉल के, बहुत ज़्यादा अपने जो बाल हैं वो लूज कर देंगे अगर आप रिग्रेसली उसको रब करेंगे टॉवल से। सो जस्ट टैप इट ड्राई विद अ जेंटल प्रेशर। स्टेप टू, लाइक इफ यू हैव अनमैनेजेबल हेयर लाइक आई डू, देन दीज प्रोडक्ट्स आर फॉर यू। दीज आर द हेयर सीरम्स जो कि आपको जब आपके बाल गीले होते हैं, स्लाइटली गीले होते हैं, तब आपको अप्लाई करना होता है। दैट टू ऑन द बॉडी ऑफ योर हेयर, लोअर बॉडी रादर ऑफ द हेयर। इट्स नॉट मच टू डू विद द हेल्थ ऑफ योर हेयर, बट इट समवेयर प्रोटेक्ट्स योर हेयर विद एक्सेस ह्यूमिडिटी और हीट बाय फॉर्मिंग अ प्रोटेक्टिव कोटिंग ऑन योर हेयर। ये दोनों बहुत ही इफेक्टिव सीरम्स हैं, इसके ऊपर मैंने एक ऑलरेडी एक वीडियो बना रखी है, बहुत ही इन्फॉर्मेटिव वीडियो है। अगर आप इन दोनों के प्रोडक्ट के बारे में प्रोस एंड कॉन्स जानना चाहते हैं वो वीडियो जरूर देखिएगा, वो मैं आपको आई बटन पे आपको लिंक कर दूंगी। तो या दैट्स दैट। अच्छा, इसके साथ मुझे कई लोगों की क्वेरी आ रही थी कि मैम प्लीज कुछ डैंड्रफ के लिए बताइए। तो सी, मैं कुछ एक्सपर्ट नहीं हूँ यहाँ पे जो आपको बहुत प्रोफेशनल वे में कुछ बता सकूंगी, लेकिन हाँ जरूर मैं कोशिश करूंगी जो चीज़ मैंने अप्लाई किया वो मैं आपके साथ जरूर मैं शेयर करूं। तो डैंड्रफ मेरे को भी था, बहुत ज्यादा डैमेज हेयर हो गए थे, तो उस इशू को एड्रेस करने के लिए मैंने ये एलोवेरा जेल है, ये पतंजलि का, आप कोई भी जेल यूज कर सकते हैं, पर मैंने जो यूज किया वो मैं बता रही हूं। तो आफ्टर अप्लाइंग द सीरम मैं थोड़ा सा ये एलोवेरा जेल लेके उसको अपनी स्काल्प के अंदर अच्छे से मसाज कर देती हूँ, इसने मेरे डैंड्रफ को हटा दिया है। तो आप भी ये टिप अगर ट्राई करना चाहें तो कर सकते हैं, शायद आपके लिए भी ये उतना ही बेनिफिशियल हो जितना मेरे लिए हुआ है। सो गाइज, आई होप मैंने आपकी काफ़ी सारी उलझने सुलझा दी होंगी एंड आई रियली होप यू लाइक द वीडियो एज वेल। सो थैंक्स फॉर स्टॉपिंग बाय एंड वॉचिंग द वीडियो, आई विल मीट यू इन अनदर वन। टिल देन स्टे हैप्पी, स्टे ब्लेस्ड, लॉट्स ऑफ लव एंड पीस टू यू गाइज, बाय फ्रेंड्स।